नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मलाड रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को रेलवे से हुए दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए कुछ सम्मान वितरण किए गए। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव मनिहार ने बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए स्ट्रेचर खराब हो गया था और उनके हेल्थ से जुड़ी कुछ जरूरी सामान भी नहीं थे, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी तकलीफ होती थी। इस मौके पर मलाड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर महाड़िक सहित तमाम डॉक्टर्स उपलब्ध थे। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता महादेव गुप्ता की खास रिपोर्ट। मलाड मेडिकल एसोसिएशन मार्फतीने मलाड स्टेशन वर आज दोन स्ट्रेचर देण्यात आले, तसंच त्यांनी आज स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन आणि पल्स ऑक्सिमीटर हे सुद्धा त्यांनी दिलेलं आहे। मलाड स्टेशनला किंवा अन्य कुठल्या स्टेशन जवळच्या जे काही ॲक्सिडेंट असं एखादा समजा असं घटना झाली, दुर्घटना झाली किंवा एखादा पेशंट अचानकपणे समजा त्यांना जर असा मिळून आला, त्याला औषधोपचार करण्यासाठी बऱ्याचशा काही गोष्टींची कमी महसूस होते, तर त्यावेळेला ह्या ज्या गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत आणि याच्यानंतरही काही ते गोष्टी देऊ इच्छितात मलाड मेडिकल असोसिएशन। आज त्यांनी हा जो कार्यक्रम इथे जो केला, खरंच स्तुत्य कार्यक्रम आहे आणि त्यांनी मलाड पोलीस स्टेशनला सुद्धा याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह केलं आणि आम्हाला इथे बोलवलं, त्याबद्दल मी खरं मी त्यांच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो। त्यांनी जी कृती केली त्याला आणि मलाडकडून त्यांनी बोलवलं त्याबद्दल त्यांना मी हार्दिक धन्यवाद देतो। थँक्यू। ये ऐसा है कि जिससे मैं मलाड मेडिकल एसोसिएशन का ये साल का प्रेसिडेंट हूँ, हम उस दिन मैं डॉक्टर हर्षद भाई और दीपक भाई आ रहे थे बॉम्बे से, हमने रेलवे स्टेशन उतरे तब हमने देखा कि एक मरीज किसको लगा हुआ था और वो जो स्ट्रेचर के ऊपर था वो स्ट्रेचर अच्छा था लेकिन उसके ऊपर थोड़ा रस्टेड हुआ था, तो वो इमरजेंसी में उस पर सिला के रखा था। जब भी रस्टेड चीज रहती है तो कोई भी खून या लगा हुआ रहता है तो उसमें वो रस्टेड चीज जाती है तो इन्फेक्शन जास्ती होता है और वुंड हील नहीं होता है, तो उसके ऊपर हमें आइडिया आया। तो हमने और हर्षद भाई हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने दीपक भाई से बात की, दीपक भाई ने सर से बात की और सर ने बोला कि अच्छा नोबल अपाई में और हम आप करेंगे। तो वी टॉक टू अवर कमिटी मेंबर और हमारे कमिटी मेंबर और हमारे ट्रस्टीज ने बोला कि अच्छा काम है, कर सकते हो। तो इस तरह से हमको ये आइडिया आया कि बीमार मरीज को जब उठा के लेके जाते हैं तो वो हमने इसके लिए बीमार मरीज उसके पे रस्टेड नहीं हुए, उसके लिए हमने स्टील का बनवाया और स्टील का होने की वजह से उसमें रस्टेड नहीं होता है और बीमार आदमी को लगा हुआ रहता है, जख्म होता है तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, उसी के लिए हमने स्टील का दो स्ट्रेचर हमें अपॉर्चुनिटी दी गई तो हमें ये देने का मौका मिला। आई एम थैंकफुल टू अवर ट्रस्टी एंड सीनियर PI, हमारे सीनियर PI सुधीर सर जो हमको सपोर्ट करते हैं। जब हम यहाँ आए तो हमने डॉक्टर यहाँ थे उनको पूछा और कुछ जरूरी चाहिए, तो डॉक्टर ने बोला कि उनको BP इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप चाहिए, तो वो भी हमने मलाड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से उनको प्रोवाइड किया है। सो इस तरह से हमें ये प्रेरणा मिली थी और हमने किया। आपकी संस्था मलाड में दे रहे क्लाउड में देने वाली? नहीं, हम मलाड के मेडिकल के एसोसिएशन है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी तो हम कहाँ भी करेंगे और हम कभी भी करेंगे, लेकिन ये हम मलाड का एसोसिएशन है तो हमें यहाँ पहले देने का मौका मिला, शुरुआत हमने इधर से की। इस संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं सपोर्ट करने के लिए वो प्रोवाइड करते रहेंगे, बस इतना ही बोल सकता हूँ कुछ नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये दिन रविवार का दिन और मलाड मेडिकल एसोसिएशन ने एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया हुआ है। रेलवे की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, कभी कभी ये जरूरियात इमरजेंसी में भी होती है, तो हमने ये मलाड मेडिकल एसोसिएशन और के एक जॉइंट हमने ये एक बहुत ही अच्छा एक हमने टाइप किया हुआ है और उनको फ्यूचर के लिए भी हमने एक ऑफर की है कि आपकी कभी भी इमरजेंसी में कोई भी रिक्वायरमेंट होगी मलाड मेडिकल एसोसिएशन 24/7 आपको अवेलेबल रहेगा, आपकी कोई भी नीड्स यहाँ पूरी की जाएगी। और ये आज के लिए मलाड एसोसिएशन और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा कि फ्यूचर में भी कोई भी इनकी ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मलाड मेडिकल एसोसिएशन स्ट्रेचर के सिवाय हमारी सजेशन ये है कि यहाँ के स्टाफ को CPR की ट्रेनिंग, लाइफ बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं। हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं या कोई भी हॉल में अरेंज कर सकते हैं जहाँ रेगुलर हम स्टाफ को ये अपना तुम्हारा रेलवे पुलिस को, क्योंकि जो बेसिक आदमी सामने रहता है एक्सीडेंट के जो उसके सामने, वो आदमी पहला उसका लाइफ बचा सकता है, उसके बाद अस्पताल में तुम ले जाओ इमरजेंसी इंजेक्शन दो, वो सब बाद में होता है। मेरी अस्पताल मैं मलाड ईस्ट में हूँ, डॉक्टर सूचक हॉस्पिटल, बहुत ही जूनी 65 ईयर्स ओल्ड हॉस्पिटल है और मुझे यहाँ से 4 बिल्डिंग है स्टेशन से,
लास्ट 40 साल से मेरे यहाँ काफ़ी पेशेंट आते हैं रेलवे के, हम उसको स्टेबिलाइज करते हैं, या तो हमारे यहाँ ट्रीट करते या फिर आगे हम एम्बुलेंस में उनको बिना पैसे लिए हुए हमको शिफ्ट करके भगवती में म्यूनसिपल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फैमिलीज रिक्वेस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। कल बहुत बड़ा दिन था, वर्ल्ड का वर्ल्ड हार्ट डे था, और वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में इतना अच्छा कार्यक्रम है, और ये शुरुआत मलाड से हुई, हर स्टेशन में ये सुविधा होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है, अर्जेंट। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।